नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनालिका 35 और 750 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सोनालिका के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। और भाइयों, जो हमारे भाई भैड़ी से देख रहे हैं या आस पास से देख रहे हैं, ज़रूर बताएँ अपने बारे में। और ये ट्रैक्टर DI 35 है, ये 39 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। यहाँ पर लिखी भी दिया सोनालिका ने 39 HP कैटेगरी। ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। इसका कारण क्या है, तो इसका जो टॉर्क है, टॉर्क इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसका जो टॉर्क है 167 Nm का टॉर्क है, 1800 इसके इंजन के RPM होने वाले हैं। और ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में आता है, 2780 cc का इंजन है। अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन होने वाला है। ये ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ में आता है। और भाइयों, ये HDM हैवी ड्यूटी माइलेज पे ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के जो ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स दिए गए हैं। और पहले से इस ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोनालिका कंपनी एक ऐसी कंपनी है, भारत की स्वदेशी कंपनी, जो अपने ट्रैक्टर में हर साल नए से नए बदलाव करती है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है जी, हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं ये लोग। और ये बम्पर देख सकते हैं आप लोग, ये 60 kg का बम्पर होने वाला है। इसमें आपको हैलोजन लाइटें मिलती हैं हाइलक्स की, और हैलोजन वाले डिफर मिलते हैं। आगे टायर आपको इसके 6-16 के मिलेंगे, ठीक है। ये ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग और सादा स्टीयरिंग दोनों में मिल जाएगा, ठीक है जी। काफ़ी ऐसा ट्रैक्टर होने वाला है। अब इसमें आपको सिंगल फिल्टर मिलेगा सर्विस का। आप देख पा रहे होंगे, ये इसका वाटर सेपरेटर हो गया। लगभग 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है। इसमें भी आपको लॉक मिलता है। बात करें इसके पायदान के बारे में, इधर दिखाओ ज़रा, पायदान बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और ये ट्रैक्टर डूल क्लच के साथ में आता है, आप चाहें तो सिंगल क्लच में भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रैक्टर आपको साइड गियर में मिलेगा। इसमें आपको साइड गियर मिलते हैं 8+2। बात करें इसकी PDU के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको लगभग 34.87 HP की PDU पावर मिलती है। सीट वगैरह सब कुछ की एडजस्टेबल होने वाली है भाइयों, आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और ये चढ़ने का देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये भी काफ़ी होने वाली है। दिखाओ ज़रा, बात करते हैं ट्रैक्टर के पिछले टायर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको पिछले टायर 13-28 के मिलते हैं गुडियर के। और आप देख पा रहे होंगे इसकी जो रिम है, काफ़ी हैवी दिए हुए हैं। और इसीलिए ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि इस ट्रैक्टर में जो बदलाव है, बदलाव बहुत कंपनी करती है। जैसी भी कमी दिखती है तो कंपनी तुरंत चेंज करती है। बाकी अगर आप लोग DI 35 ट्रैक्टर चलाएं, तो उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। आप बताएं कि इस ट्रैक्टर को आप रूटावेटर पर चला रहे हैं, कौन सा रूटावेटर चला रहे हैं, कितने फीट का चला रहे हैं, ठीक है। हैरो के बारे में बताएं। और सबसे अच्छी बात, इस ट्रैक्टर में देखते हैं आप लोग, रिवर्स PDU मिलती है, कंपनी ने लिख के दिया है, ठीक है जी। और टॉप लिंक में आपको 3 होल मिलते हैं, जैसे आपकी यहाँ की मिट्टी वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रैक्टर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आता है, आप देख पा रहे होंगे। और ये मडगार्ड की वाइब्रेशन कम करने के लिए दिया हुआ है फेंडर। ये रिफ्लेक्टर हो गया, आप देख पा रहे होंगे, ये बोतल होल्डर है। बाकी ट्रॉली में लाइट फिट करने के लिए हो गया। और बात करें इसकी लिफ्ट के बारे में, तो इसकी 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। काफ़ी हैवी इसकी लिफ्ट पट्टी दी हुई है, ये इसका हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है भाइयों। और ये यहाँ पर नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं, इसकी बैक लाइट हो गई। अब हम आपको ट्रैक्टर आगे से दिखा। और भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के बारे में, तो इसका पावर स्टीयरिंग का पंप, हाइड्रोलिक पंप दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने, ठीक है जी। पास में देख पा रहे होंगे आप लोग, ये इसका बैटरी बॉक्स है, सिंपल आता है। और ये इसके हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ये सेल्फ हो गया, आप देख सकते हैं। और ये इसके ब्रेक है, इसमें आपको ऑयल मस्ट ब्रेक मिलते हैं, कंपनी ने यहाँ लिख के भी दिया हुआ है ऑयल मस्ट ब्रेक, ठीक है भाइयों। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इस ट्रैक्टर के बारे में आप लोग ज़रूर बताएँ कितना घंटे पर डीजल ले रहा है, ठीक है जी। आप लोग इसकी मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। किसान भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर की कीमत के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की जो ऑन रोड प्राइस है यहाँ पे भैड़ी में 6,25,000 रुपये ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस होने वाली है, ठीक है जी। बाकी आप बताएं आपके यहाँ इसकी क्या कीमत होने वाली है। अब बात करते हैं 750 के बारे में, तो भाइयों ये 55 HP में आता है। और ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड इन दो ट्रैक्टरों की है, 750 की DI 35 की। किसान भाइयों, बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 सिलेंडर का 3707 cc का इंजन मिलने वाला है। ये इनलाइन पंप के साथ में आता है, आप देख पा रहे होंगे। और ये टॉर्क प्लस सीरीज कंपनी ने नई लॉन्च की है, इसका टॉर्क पहले से बढ़ा दिया गया है। इसका जो टॉर्क है 235 Nm का हाई टॉर्क होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है भाइयों। और ये ट्रैक्टर आपको हाई लो में मिलेगा, हाई लो मीडियम वाला भी मॉडल आ चुका है, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये इसका देख सकते हैं आप लोग, ये टूल बॉक्स हो गया, लोहे का टूल बॉक्स दिया हुआ है। ग्राफिक्स वगैरह दोनों के सेम दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा कंपनी ने काम किया है, पेंट में पहले सुधार किया है, मेटालिक पेंट मिलेगा आपको। और लाइट वगैरह इसमें आपको हैलोजन भी मिल जाती है, आप चाहें तो LED भी ले सकते हैं।
बम्पर वगैरह दे सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ये सोनालिका का लोगो हो गया। ऑयल बाद वाला आपको एक लिया मिलेगा दे सकते हैं आप लोग। और इसका जो फ्रंट एक्सेल है ये एडजस्टेबल होने वाला है, काफ़ी हैवी दिया हुआ है आपने देखा होगा, अधिक से अधिक लोड काम पे आपको सोनालिका ही मिलेगा क्योंकि इसकी खिंचाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इसके आगे टायर हैं 7/16 के, इसमें आपको आगे टायर मिलते हैं। और इधर देख सकते हैं आप लोग इसका जो पावर स्टेयरिंग है, इसमें आपको डुअल एक्टिंग वाला पावर स्टेयरिंग मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है। नीचे ये सेफ्टी गार्ड भी लगा हुआ है, ये ईंट पत्थर से राहत दिलाएगा आपको, ठीक है भाइयों। बाकी इसमें अब आपको सिंगल फिल्टर मिलेगा डीजल फिल्टर, ये इसका हाई रिस्क का वाटर सेपरेटर हो गया, लगभग 7 लीटर का फ्यूल टैंक होने वाला है, लॉग भी मिलेगा। बाकी भाइयों प्लेटफॉर्म वगैरह दोनों ट्रैक्टर का सेम होने वाला है, खुला प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है जी। प्यूटी पावर में आपको बताऊँगा, सीट वगैरह सब कुछ इसकी एडजस्टेबल होने वाली है। किसान भाइयों बात करते हैं ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के बारे में, तो दोनों ट्रैक्टर का डैशबोर्ड सेम है, दोनों में आपको डिजिटल मीटर मिलते हैं, काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं आप देख सकते हैं, ठीक है जी। छोटा स्टेयरिंग दिया हुआ है। किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे दोनों ट्रैक्टरों का पिछला हिस्सा तो मुझे लगता है सेम है, सिर्फ ये लगता है कि इंजन का फ़र्क है DI 35 में और 750 में, इसीलिए दोनों ट्रैक्टर की मार्केट सबसे ज़्यादा होने वाली है। आप खुद देख पा रहे होंगे काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर होने वाला है। बाकी आप लोग इस ट्रैक्टर के बारे में अपना फीडबैक जरूर बताएं, मैं वीडियो में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन जो मतलब एक्सपीरियंस है किसान ही बताता है कि क्या माइलेज है, कौन से यंत्र पे कितना डीजल ले रहा है, रीपर पे कितना ट्रैक्टर चल रहा है, रीपर बताएं आप कौन सा रीपर चला रहे हैं, 57 इंची है फिर 61 इंची। इसके जो टायर हैं 14/28 से ब्रेक टायर मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे 14/28 से ब्रेक टायर हैं, आप चाहें तो 16 के भी ले सकते हैं, वो आपको सिर्फ ऑर्डर पर मिलेंगे भाई। इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स PTO मिलती है, और पिछला हिस्सा देख पा रहा हूँ आप लोग इस ट्रैक्टर में आपको 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, लिफ्ट पहले से इसकी बढ़ा दी गई है, ठीक है जी। इसकी ट्यूब वगैरह देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हैवी दी हुई है, काफ़ी हैवी ट्रैक्टर कंपनी ने डिज़ाइन किया आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट में ग्रोथ कर रहा है। हिच वगैरह देख सकते हैं, कंपनी का हिच है, काफ़ी हैवी दिया हुआ है, और डबल डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपको मिलते हैं जिसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी दी गई है। और भाइयों ये टॉप लिंक लिए हो गए, इसमें आपको 3 होल मिलते हैं, ठीक है जी। और भाइयों देख पा रहा हूँ आप लोग इसमें भी आपको पावर स्टीयरिंग पंप हाइड्रोलिक पंप अलग अलग मिलेगा। तो जो DI 35 और 750 सोनालिका सेकंडर टॉर्क प्लस हैं, इन ट्रैक्टरों में सिर्फ इंजन का फ़र्क है मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बाकी बताएं, दोनों का पिछला ऐसा सेम लगता है। बाकी इसकी जो PTO पावर, इसमें आपको 45.86 HP की PTO पावर मिलती है। तो भाइयों आज की वीडियो में मैंने आपको DI 35 और 750 ट्रैक्टर दिखाया टॉर्क प्लस, इन ट्रैक्टरों के बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। आप बताएं इन ट्रैक्टरों को आप कौन से यंत्र पर चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर कितना डीजल ले रहा है, ठीक है जी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, नेम रिव्यू किसानी देता है। और इसकी जो कीमत है, इसकी ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग 7,70,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है, ठीक है भाइयों। तो भाइयों आपको वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।